सत चीजां एहो जिया ने के जड़िया बंदे नू तबाह बर्बाद कर देंदिया ने। सब तू पहली चीज के एक बंदा शिरक करने वाला, दूसरी वो चीज के जनाब जादू टोने करने वाला इंसान ये भी तबाह बर्बाद हो गया। तीसरी मेरे नबी ने फरमाया जनाब ना हक किसे मुसलमान नू कतल करना, उदा कसूर कोई नहीं, उदा जनाब कोई किसे मामले दे अंदर अमल दखल नहीं थे, हमें जनाब कतल कर देना, अल्लाहु अकबर। और चौथा प्यारे नबी ने फरमाया सूद खाना, सूद खान आला कमान आला ले जान आला लियान आला, जितने उदे अमले दे बंदे ने सूद दे जनाब अल्लाहु अकबर कबीरा जो यानी कि उदे इर्द गिर्द सारे जितने जनाब वो नज़्म व ज़ब्त संभालने वाले सारे दे सारे मेरे महबूब ने फरमाया सारे दे सारे जहन्नम दे बालन बढ़न गए अगर अल्लाह को तौबा ना की। इस तरह पंजवीं चीज अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया यतीम दा माल खाने वाला बंदा ये भी उदा अमल उन्हों जहन्नम दा बालन बनाएगा ना। और जनाब छेवीं चीज मेरे महबूब ने फरमाया जिहड़ा बंदा जंग अंदर शामिल हो करके जदों जनाब इन्हें अगू कुफार नाल सामना करना पिया ते इन्हें दौड़ ला दिती, ये जनाब पीठ फेर करके दौड़ गया अपने काफले नू छड़ गया, उत्थे ही अपने वादे की मुखालफत करदा होया दौड़ गया, ये भी जनाब इन्हू इहदा अमल इन्हू जनाब तबाह कर देवेगा ना। इस तरह फरमाया सतवीं चीज के मेरे नबी ने फरमाया औरतां ते इल्जाम लगाने वाला वाशिरू अलैहिन्न बिलमारूफ। मेरे नबी ने फरमाया अगर औरत का मामला बने किसी किस्म के अंदर जनाब घरेलू मामलात अंदर दीनी या दुनियावी अंदर अच्छे सलूक नालों जनाब अगर अलग होना चाहते हो अलग हो जाओ, अगर कोड़ रखना चाहते हो तो अच्छा अच्छा मामला करो, अल्लाहु अकबर कबीरा। और इस तरह जनाब मेरे प्यारे नबी ने ना सत्तां चीज़ों के अंदर मैनू तुहानू बड़ी ज्यादा तंबीह फरमाई है कि ना मामला तो बच करके रहना है ना। अल्लाहु अकबर।